मेकओवर डायरीज बाय नैना में आप सबका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा एक स्किन केयर रूटीन जो मैं वीकली फॉलो करती हूँ, और मैं उसमें कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ, क्या स्टेप्स फॉलो करती हूँ, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं आप भी वही प्रोडक्ट यूज करें। आप आपके स्किन टाइप के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो मुड़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ मैं प्रोफेशनल O3 प्लस ब्रांड यूज कर रही हूँ और ये होम केयर रेंज है। इसमें चार स्टेप्स है। वन इज ब्राइटनिंग एंड व्हाइटनिंग फेस वॉश, वॉल्केनो स्क्रब, एलोडर्मा हाइड्रेटिंग जेल एंड देन डर्मा फ्रेश मास्क। फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश। ये फेस वॉश जेल बेस है एंड ये ट्रांसपेरेंट है कलर में। आपको थोड़े ही क्वांटिटी में उसको लगाना है, और लगाने से पहले आपके हाथ आप गीले कर ले ताकि स्प्रेड करने में आसानी हो। आपको 2 या 3 मिनट तक आपके चेहरे पर मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, ताकि जो भी डर्ट हो एंड एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए, आपका चेहरा क्लीन हो एंड नेक्स्ट स्टेप्स के लिए आपकी स्किन प्रिपेयर हो। देन मैं यहाँ अपने चेहरे को वेट टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। ये स्क्रब ब्लैक कलर में है क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है, और स्क्रब करने के टाइम आपके हाथ अच्छे से गीले होने चाहिए क्योंकि स्प्रेड करने में आसानी हो, स्क्रब के पार्टिकल्स आपके चेहरे को इरिटेट ना करें, और जहाँ पे आपको व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स के प्रॉब्लम है वहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। सर्क्यूलर मोशन में आपको 1 या 1.5 मिनट तक मसाज करना है। उसके बाद वेट टिश्यू से आपका चेहरा अच्छे से क्लीन कर ले या फिर पानी से धो ले, ताकि जो भी स्क्रबिंग के पार्टिकल्स हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। थर्ड स्टेप है टोनिंग। मैं रोज वाटर एज अ टोनर यूज कर रही हूँ। कॉटन पे फ्यू ड्रॉप्स लेके मुझे चेहरे पे स्प्रेड करना है ताकि मेरे चेहरे का जो ड्राइनेस है वो कम हो जाए, स्किन हाइड्रेट हो एंड पीएच लेवल बैलेंस हो। थर्ड स्टेप है जेल मसाज। दिस इज द कलरलेस जेल। आपको एडिक्वेट क्वांटिटी में लेना है और आपके चेहरे पे स्प्रेड करना है। आपके हाथ गीले कर सकते हो ताकि मसाज करने में आसानी हो। 2 या 3 मिनट तक आपको अच्छे से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। रेगुलर फेशियल मसाज हेल्प्स टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, आपकी एजिंग स्लो करता है, रिंकल्स मिनिमाइज करता है एंड आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग रखने में मदद करता है। वेट कॉटन से चेहरे को क्लीन कर ले टू रिमूव एक्सेस प्रोडक्ट। नाउ यू कैन सी द फ्रेशनेस ऑन माई स्किन। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज मास्क। ये जेल बेस मास्क है, थोड़ा येलोइश कलर में है और इसमें जेल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एंड ये मास्क आपके स्किन को ब्राइटन एंड हाइड्रेट करता है। आपको ये 15 मिनट तक आपके चेहरे पे लगा के छोड़ देना है, देन पानी से क्लीन करना है। अगर आपकी स्किन और डिहाइड्रेट सेंसिटिव है तो आप इसे एज अ नाइट मास्क भी यूज कर सकते हो। मेरे 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब वेट टिश्यू से मैं अपना चेहरा अच्छे से क्लीन कर लूंगी। See the changes on my skin, बहुत fresh and hydrated लग रहा है and see my nose tip glow कर रही है। I hope मेरा ये छोटा सा स्किन केयर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।